की तेजी के बाद मार्केट में एक भयंकर तेजी देखने को मिल रही है। अब क्या होगा आज का सत्र में, आज का क्या रणनीति रहनी चाहिए, ये सब पे बिंदु पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो मार्केट एक्सटेंडेड इट्स नॉट वॉट जर्नी फॉर ए सेकेंड कंजिक्यूटिव सेशंस फॉर द निफ्टी 50 क्लेम 19,800 के रेंज पे पहुंच गया है, विच इज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस ऑन अक्टूबर 11। हैंस इफ इंडेक्स सस्टेन 19,750 और 19,800 के एरिया इन द कमिंग सेशन, द मार्च टुवर्ड्स 20,000 मार्क कांट बी रूल आउट वाइल टेकिंग सपोर्ट 19,600 और 19,500 का सपोर्ट रहेगा। बीएससी सेंसेक्स जंप किया 394 पॉइंट 66,473 पे बंद हुआ। निफ्टी 50 रोज 150.122 पॉइंट 19,811 पे बंद हुआ है एंड फॉर्म ए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न विथ माइनर अपर शैडो ऑन डेली चार्ट। तो 19,811 का लेवल टच कर गए हैं, मात्र 189 पॉइंट दूर है 20,000 के लेवल से। तो डेली मोमेंटम इंडिकेटर ट्रिगर पॉजिटिव क्रॉसओवर, हैंस ए कैश इन डेप इट शुड बी यूज फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, जतिन केडिया बता रहे हैं। वेडनेसडे इंट्राडे कंसोलिडेशन इज ए बुलिश साइन एज इट सस्टेन द गेंस, ही एक्सपेक्ट द पॉजिटिव मोमेंटम टू कंटिन्यू ओवर नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन। 19,883 विच इज 61.82% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है। फॉल 20,222 से 19,333 तक जो टूटा था वो गैप को भर सकता है। ऑन द डाउन साइड द गैप एरिया फॉर्म ऑन वेडनेसडे इन द रेंज ऑफ 19,718 19,757 भी देखने को मिलेगा, जो एक शॉर्ट टर्म में सपोर्ट का काम करेगा। ब्रॉडर मार्केट अल्सो हैज पॉजिटिव ब्रेथ, निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 भी बढ़ा है 0.2% और 0.8%। जहाँ तक भिक्स का बात है वो गिर रहा है डे बाय डे, एक पॉजिटिव साइन है। तो पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर बता रहा है पहला निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा 19,771 पे, दूसरा 19,752 पे, तीसरा 19,720 पे और रेसिस्टेंस कहाँ मिलेगा, पहला मिलेगा 19,834 पे, दूसरा 19,853 पे, तीसरा 19,885 पे। निफ्टी बैंक का बात कर लेते हैं, एक्सपीरियंस कॉन्सेशन फेस रहेगा वीकली एक्सपायरी में विथ सपोर्ट एविडेंट, 44,400 पे सपोर्ट है इसका, 44,700 का रेसिस्टेंस है। ओवरऑल इंडेक्स रिमेंट पॉजिटिव, राइजिंग 157 पॉइंट बढ़ा है 44,517 पे बंद हुआ है। फॉर्म स्मॉल बॉडीज बेयरिश कैंडलस्टिक बनाया है अपर एंड लोअर शैडो के साथ। ओवरऑल अंडरस्टोन द इंडेक्स रिमेंट बुलिश, सजेस्ट दैट द बाय ऑन डीप अप्रोच रहेगा, कुणाल साहब बता रहे हैं ये एल के पी सिक्योरिटीज़ के। तो ऐसा लग रहा है उनको कि 44,700 का लेवल अगर टूटता है तब हम आगे का लेवल देख सकते हैं और वो रहेगा, अगर आप साइड का बात कर रहे हैं तो 45,000 का लेवल भी देख सकते हैं। पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर बता रहा है पहला निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा 44,432 पे, दूसरा 44,351 पे, तीसरा 44,247 पे। अब रेसिस्टेंस कहाँ मिलेगा, 44,661 पे, 44,731 पे और 44,846 पे। कॉल ऑप्शन डाटा को समझते हैं, 20,000 के स्ट्राइक पे सबसे ज़्यादा वाई खड़ा देखने को मिल रहा है, 1.38 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ। 19,900 के स्ट्राइक पे 1.13 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है, 20,000 के स्ट्राइक पे 93.93 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। कॉल राइटिंग 20,000 के स्ट्राइक पे देखने को मिल रहा है जहाँ 52.81 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 19,900 के स्ट्राइक पे 52.64 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 20,100 के स्ट्राइक पे 47.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। कॉल अनवाइंडिंग हुआ है 19,700 के स्ट्राइक पे जहां 31.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम देखने को मिल रहा है, 19,600 के स्ट्राइक पे 12.45 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है, 19,500 के स्ट्राइक पे 3.61 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है। पुट ऑप्शन डाटा को समझते हैं, 19,600 के स्ट्राइक पे 1.323 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है जो एक सपोर्ट का काम करेगा। तो 20,000 रेसिस्टेंस, 19,600 सपोर्ट का काम कर रहा है। 19,500 के स्ट्राइक पे 1.13 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है, 19,800 के स्ट्राइक पे 1.12 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है।
पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है 19,800 के स्ट्राइक पे, जहाँ 95.49 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। 19,700 के स्ट्राइक पे 44.78 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। 19,500 के स्ट्राइक पे 28.81 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। पुट अनवाइंडिंग हो रहा है 19,100 के स्ट्राइक पे, जहाँ 15.09 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है। 18,800 के स्ट्राइक पे 10.59 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है। 19,000 के स्ट्राइक पे 9.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है। हाईएस्ट डिलीवरी देखने को मिल रहा है भारतीय एयरटेल पे, एलएनटी पे, एमएफएसएल पे, पीडीलाइट इंडस्ट्री पे, बजाज ऑटो पे। लॉन्ग बिल्डअप किया जा रहा है इंडिया सीमेंट पे, टाटा केमिकल पे, दीपक नाइट्रेट पे, क्यूब पे, एसआरएफ पे। लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है कोल इंडिया पे, कोरा मंडलम पे, एस्कोर्ट्स पे, एलएनटी फाइनेंस पे, इंफोसिस पे। शॉर्ट बिल्डअप किया जा रहा है आईसीसी प्रो लाइफ पे, बैंक ऑफ बड़ौदा पे, जिसका खबर है कि उसका जो वेबसाइट है, ऐप है, उसके जरिए अकाउंट ना खोलने के लिए आरबीआई ने मना किया है। इसके गिरावट के चलते वहाँ शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। इंडिया मार्ट पे, बलरामपुर चीनी पे, कैफोर्ज पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स पे, अल्ट्रा टेक सीमेंट पे, टाइटन पे, हीरो मोटोकॉर्प पे, आईटीसी पे। आज रिजल्ट का दिन है एचसीएल, इंफोसिस का, एचसीएल टेक्नोलॉजी का, एचडीएफसी का, आनंद राठी का, एंजल वन का, टाटा मेटिक लीक्स का। न्यूज में रहने वाला है टीसीएस, जो बायबैक करने का है, प्लाजा वायर्स, इंडसइंड बैंक, डेल्टा कॉर्प, पीसीबीएल, प्राइकॉल, सिप्ला, तो बहुत सारे खबरों का न्यूज है। एफआई ने अपलोड किया है 421 करोड़, डीआई ने बाय किया है 1032 करोड़। तो बैन में रहने वाले हैं आज बलरामपुर चीनी, हिंदुस्तान कॉपर, इंडिया सीमेंट, इसके साथ इंडिया बुल्स हाउसिंग फिनांस, एलएनटी फिनांस, मनापुरम फिनांस, पीएनबी, डेल्टा कॉर्प, एमसीएक्स, ये सारे बैन में रहने वाले हैं। कैसा लगा आपको ये जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।